है, इन्होंने ऐसे तर्क दे दिए कि सवाल है चुनाव पे इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ को जायज़ बना दिया, और ये भी कह दिया कि बांग्लादेश से कोई घुसपैठ ही नहीं हुआ है। दादा इतने उत्साह में मत आ जाइए कि ज़्यादा रसगुल्ला खा लीजिए और उसका नुकसान हो जाए। चुनाव जीतने का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठ है ही डायबिटीज नहीं। जिस हाँ मैं डायबिटीज है, कह रहा आप हूँ खाते कि रहिए रसगुल्ला, बहुत खा नहीं नहीं चुके मैं कह रहा हूँ दादा, सुन हैं। लीजिए, मैंने आपको सुना, हाँ आप बड़े बोलिए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अति उत्साह में आपने पूरा बांग्लादेशी घुसपैठ को जस्टिफाई कर दिया। मैं भी किशनगंज बॉर्डर का व्यक्ति हूँ, और भारत सरकार में जिसमें ममता जी भी मंत्री थी, मनमोहन सिंह की सरकार में, उसने स्वीकार किया था बांग्लादेशी घुसपैठ का। तो ममता जी ने रिज़ाइन क्यों नहीं कर दिया था कि मैं मनमोहन सिंह की सरकार में क्यों कहा? उन्होंने खुद बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा ममता जी ने उठाया। उनकी पैरवी करते करते कुछ आंकड़े क्या बढ़ गए? आप तो बांग्लादेशी को ऐसा बता रहे हैं, वो आते हैं शॉपिंग करते हैं, वो यहाँ हमारी इकोनॉमी में मदद करते हैं। आपको पता है हम उनकी मदद करते हैं। आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे बांग्लादेश के वजह से हिंदुस्तान चल रहा है, कलकत्ता चल रहा है, भारत चल रहा है। उनको तो अतिथि देवो भव में आपने तो देवता का रूप दे दिया। हमारा कहना है कि कभी बार चुनाव में हमने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे पर जनमत संग्रह नहीं था। हमने मुद्दे उठाए, 3 MLA की पार्टी ने मुद्दा उठाया, 83 पहुंचे, तो इसका मतलब हमारे मुद्दे गौन हो गए। और आप अगर आगे जीत गए तो आपके मुद्दे बहुत अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। हार के भी कई कारण हैं, जीत के भी कई कारण होते हैं। अगर हमारा ग्राउंड पर वर्कर और मजबूत होता तो ये आंकड़े, कई जगह हम 1,000 2,000 4,000 वोट से हार रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते। अति उत्साह में दीदी को डिफेंड करते करते शाहनवाज भाई बांग्लादेशियों आप जब को कहते हैं ग्राउंड में घुसपैठ को मजबूत डिफेंड होता, मत कर दीजिए। शाहनवाज भाई आप कहते हैं जब ग्राउंड में मजबूत होता, ग्राउंड में मजबूत होता तो कर नहीं पाए मजबूत, या किन्हीं कारणों से मजबूत नहीं हो पाए, देखिए क्या फैक्टर रहा? क्योंकि ये तो सारे एनालिसिस हो गए। प्रतीक जी, आप ग्राउंड रिपोर्टर हैं, आप लुटियन रिपोर्टर नहीं हैं, आप एयर कंडीशन रिपोर्टर नहीं हैं। आप भैया जी कहीं भी करते हैं, वो भी फील्ड में करते हैं। कोरोना काल में कई बार आप रूम के अंदर करते हैं, और मैंने आपकी लोकप्रियता बंगाल में भी देखी और मथुरा की गलियों में भी देखी है, जब कोरोना काल में आप मथुरा की गलियों में घूम रहे थे। तो मैं आपकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आपसे सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टीएमसी समर्थक जब टीवी पे आके अति उत्साह में ऐसा बता रहे अरे तो शाहनवाज हैं भाई क्यों नहीं कि बोलते सीधे सीधे? हाँ शाहनवाज भाई ठीक आप है नहीं ना बोले, मैं बोल देता हूं। हिंसा हिंसा जी, एक कारण था, हिंसा एक फैक्टर था या नहीं था? हिंसा नहीं फैक्टर मैं था, कह रहा तृणमूल हूं कांग्रेस पे हमेशा ये पंचायत, इल्जाम लगा, सुन एंड लीजिए, दे विल रिप्लाई, एक एंड दे दस विल सेकंड और रिप्लाई। दे दीजिए, मैं ऑफ कह कोर्स दे विल दूंगा रिप्लाई कि भैया हिंसा एक बड़ा जी, फैक्टर था, 10 सेकंड और बंगाल दीजिए, में, मैं कह दूंगा। बंगाल में दादा आप इतना कह रहे थे, आप कहिए ना, बोलिए ना, ये जवाब देंगे, मैं कह बोलिए, रहा पूछिए हूं, जब शाहनवाज भाई। पंचायत का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने अपना झंडा बांध के घर में घुस गए, वो कहीं पर निकले नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने शहादत दी, हमारे कार्यकर्ताओं को मारकर लटका दिया गया। हम डरे नहीं, झुके नहीं, लड़े, और हमें हमें खत्म करने की चाल चली गई। फिर भी हम 383 पहुंचे, सही, हम सरकार नहीं बना पाए। ऐसा लग रहा है कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। आपको हमने चेता दिया, ये अलर्ट कर दिया कि बीजेपी की बात को सुनिए, तुष्टिकरण का रास्ता बंद कीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोत्साहन बंद कीजिए, बंगाल में सबका साथ सबका विकास, सबके विकास के रास्ते पर चलिए, विश्वास जीतिए। ये नहीं हो कि दुर्गा पूजा सुपर्णो की मोइत्रा साहब अगर यात्रा को मौजूद रोक हैं, दीजिए, ये नहीं सुपर्णो कर मोइत्रा सकते साहब आप। अगर पैनल पे हम एक मौजूद हैं मजबूत तो आए विपक्ष हैं, की सामने लाएं, भूमिका निभा उनको देंगे, दिखाएं, सुपर्णो हमें मोइत्रा साहब कमजोर को मत दिखाएं, समझिए, बंगाल की सुपर्णो जनता मोइत्रा ने साहब अगर एक मौजूद हैं मजबूत पैनल पे। विपक्ष को खड़ा किया राइट है। दादा, राइट अगर शाहनवाज ममता भाई, जी को सत्ता दिया तो मजबूत राइट, विपक्ष को भी खड़ा कर दिया है, इसलिए मैं सावधान करता हूं सुपर्णो जी। मोइत्रा साहब अगर मौजूद हो। दादा हाँ दादा मौजूद सवाल हूँ। ये था कि हाँ आखिर जी, सवाल यह था कि कहा गया कि पहला ऐसा चुनाव है जिसमें हिंसा इतनी देखने को मिली, इतनी हिंसा। हालांकि लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में तो हिंसा बहुत होती है, मैं नहीं कह रहा, 2016 के भी आंकड़े नहीं मौजूद हैं, वो उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हिंसा इस बार इतनी थी और हिंसा की वजह से तमाम सारे बातें कही जा रही थी, और इसलिए लंबा चुनाव भी हुआ। ये भी एक फैक्टर दिया गया कि 8 फेजेस में चुनाव, इसलिए क्योंकि हिंसा एक है एंड विल कंट्रोल, लेकिन इसका तो उल्टा उल्टा भी कहा गया कि प्रचार ज्यादा कर सकें इसलिए 8 में कहा। दादा सुपर्णो, हाँ देखिए,
चुनाव आयोग को हमने जब पहली बार वो नोटिफिकेशन निकाले इस चुनाव के लिए 8 चरणों में, तभी भी हम लोगों ने उनको बार बार चिट्ठी लिख के ये कहा था कि ये कोविड के समय पे 8 चरण में चुनाव करना सही नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड वेव आ सकता है, तो उसको थोड़ा वो कम करें। लेकिन हमारे जो राजनीतिक प्रतिपक्ष है उनको ये कहना था कि यहाँ पे हिंसा इतना ज़्यादा है, उनको कहना था, मैं उनका भाषा बोल रहा हूँ, मेरा नहीं बोल रहा हूँ, उनको ये कहना था कि 8 चरणों में ही होना है क्योंकि यहाँ पे हिंसा ज़्यादा होता है, इसलिए वो करना है। अभी हमने देखा कि चुनाव आयोग हम लोगों का एक नहीं सुने, हम लोग बार बार कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब ट्वीट करके जब बोले कि वो यहाँ पे नहीं कैंपेन कर आ पाएंगे, तो तुरंत इलेक्शन कमीशन जो वो कह रहे थे वो कर रहे थे। प्रतीक जी, हम लोग तो शायद लग रहा है कि इस चुनाव में जीत जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है जिस संस्था का निरपेक्ष लेके सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस चुनाव में उभर के सामने आया है वो है कि चुनाव आयोग। और लोग ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी दल है जो केंद्र सरकार में जो बैठे हैं, हालांकि चुनाव आयोग उनके इशारों पे नाचने वाले एक संस्था बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं और मैं बिल्कुल वो आपके सामने ला रहा हूँ। एक दूसरी बात है, वो लोग क्यों हार गए, हम लोग क्यों जीते हैं, हालांकि हम लोग अब तक जीते नहीं हैं और वो लोग अब तक हारे नहीं हैं। फिर भी अगर मैं समझता हूँ कि हम लोग जीत गए हैं और वो लोग हारने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग बिल्कुल अपने में बात करें। और क्यों इतने सब कुछ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरा केंद्र सरकार को यहाँ पे सारे मंत्रिसभा यहाँ पे लगा देने के बावजूद भी अगर वो इस चुनाव हार जाते हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह उन पे उठ जाता है कि क्या वो काबिल थे हमारे साथ इस लड़ाई लड़ने। प्रतीक जी, शाहनवाज साहब आप, हाँ जी, मुझे मालूम है आप कुछ कह रहे हैं, मैंने सुन लिया, आपकी काबिलियत पे सवाल उठाया, आपकी मतलब आपसे नहीं था, मतलब ये बात उन्होंने कह दिया कि आप चुनाव कुछ वोटों से ही दीदी जीत गई। चलिए, हाँ जी, मैंने कुछ वोटों से ही सही जीती, दीदी जीत गई, मैं उनको बधाई देता हूँ जी। प्रतीक जी सुनिए, मैंने ये बात कही थी, मैंने सुबह ही कहा था, मैंने ये सुबह कहा था, ये लड़ाई बहुत रोचक होगी। और जब वो आगे चल रहे थे शुभेंदु अधिकारी, तो मैंने कहा था वेट करिए, ये बहुत रोचक सुना होगा। था मैंने सुबह ही बोला था, सुना था भैया जी, वो नंदीग्राम में बहुत होगा। जी 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 बोलिए। मैं ममता जी को जीत की बधाई देता हूँ, उनकी सरकार बनने के लिए उनकी बधाई देता हूँ, और उनसे उम्मीद करता हूँ कि जो मुद्दे इस चुनाव के बीच में रहे उसको वो एड्रेस करेंगी और अपने कार्यकर्ताओं को संयमित करके जिस दरख्त में फल लगते हैं वो झुक जाता है, तो वहाँ